नमस्ते नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं नई किरण न्यूज़ चैनल और अभी हम बिहार के सबसे बड़े चिड़ियाघर में आए हुए हैं जो कि बिहार के राजधानी पटना में स्थित है। इस चिड़ियाघर का नाम राजीव गांधी उद्यान है और इधर आप देख सकते हैं ये है पहाड़ी गिद्ध। ये गिद्ध अन्य गिद्धों के समान ही होता है और यह गिद्ध भी जानवरों की लाश को खाता है। इन्हें ढूंढने के लिए यह आकाश में बड़ी ऊंचाइयों पर मंडराते रहते हैं। अक्सर ये झुंडों में विचरते हैं, भोजन करते हुए और शाम का सवेरा करते हुए फुफकारते ने गुजारने जैसी ध्वनि करते हुए खूब शोर करते हैं। तो चलिए ऐसी जानकारी और हम इस उद्यान के बारे में आपको देते हैं। और ये देख सकते हैं ये है शेर। अगर शेर के बारे में बताया जाए तो एशियाई शेर का एकमात्र घर अब गुजरात गिर वन रह गया है। पहले उसकी धार से संपूर्ण उत्तर भारत में के मैदानी इलाके गूंजा करते थे। यूरोप और अरेबिया के कुछ हिस्सों में भी इसका फैलाव था। संस्कृत के महाकाव्यों में वनराज के रूप में उसका उल्लेख मिलता है। तो चलिए ऐसी जानकारी और भी आपको हम आगे देते हैं। आप देख सकते हैं यह है बाघ। यह बिल्ली के प्रजातियों का सबसे बड़ा जीव होता है। इसकी वजन लगभग 300 किलो तक होता है और यह लगभग 10 फीट लंबा होता है। यह ज़्यादातर वन इलाकों में और हरियाली जगहों पर पाया जाता है। और चलिए और हम लोग आपको इस उद्यान के बारे में जानकारी देते हैं। अब और ये देखिए, ये है अजगर। इसे इंडिया रॉक के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले सांपों में से सबसे भारी भरकम सांप है। वयस्क अजगर का रंग उजला अथवा पीला होता है। और चलिए हम और भी अजगरों की जानकारी है। धामिन, ये दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाने वाले सांपों में ये एक विषहीन सांप है। इसके अंदर विष नहीं होता है। और चलिए ऐसी जानकारियां हम और भी आपको अंदर देते हैं। और इस पार्क की जो खूबसूरती है ये आपको देखने ही बनती है। ये है गेट नंबर 2 से आने वाला रास्ता है। यहाँ से इंट्री करके ये अंदर की तरफ जाते हैं और ये अंदर ये 153 एकड़ में फैला हुआ यह राजीव गांधी उद्यान है जो कि बहुत ही मनमोहक और बहुत ही मनभावक है। इसमें आने के बाद आपको जाने का मन ही नहीं करेगा क्योंकि ये इतना बड़ा है और इतना सुंदर है कि घूमते घूमते आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम कहाँ घूमें और कहाँ तक जाएं। और देखिए ये है भालू। भालू भारत उत्तरी श्रीलंका और नेपाल के कुछ इलाकों में शुष्क पर्णपाती वनों में रहता है। उसे शहद, कीड़े मकोड़े, फूल फल आदि खाना पसंद है। दीमक भी उनके पसंदीदा भोजन में शामिल है। भालू अपने तेज नाखूनों से दीमकों की बॉम्बी को फाड़ डालता है और घबराकर बाहर आने वाली दीमकों को अपने लचीले ओठों और जीभ से सुरख लेता है। तो चलिए और भी ऐसी जानकारियां हम आपको आगे देते हैं। आपको बता दें भालू जो है विश्व के विभिन्न देशों में विभिन्न जलवायु एवं परिस्थितियों में पाए जाते हैं। भारत में भालू के 4 प्रजाति पाए जाते हैं, हिमालय भालू, स्लॉम भालू, भूरे एवं सन भालू। इसका शरीर बालों से ढका रहता है जिसकी मोटाई मौसम के अनुसार घटती रहती है। आपको बता दें ये है एमू। एमू मूल रूप से ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला संसार का दूसरा सबसे बड़ा पक्षी है और सबसे बड़ा पक्षी जो होता है वो है शुतुरमुर्ग। और ये है एमू, ये दूसरा संसार का सबसे बड़ा पक्षी है। इसकी ऊंचाई 5 फीट तथा वजन 50 किलोग्राम तक होता है। यह उड़ नहीं सकता परंतु 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है और आवश्यकता पड़ने पर यह तैर भी सकता है। ये देखिए ये है फ्रीजेंट की प्रजाति। ये गोल्डन फ्रीजेंट है और ये देख सकते हैं ये है सिल्वर फ्रीजेंट। और ये इधर आप देख सकते हैं ये भी सिल्वर फ्रीजेंट में ही आता है। और चलिए ऐसी जानकारी हम आपको और भी देते हैं। और ये जो आप जानवरों को देख रहे हैं ये इन्हें बांध कर नहीं रखना चाहिए परंतु लोगों को इस मनोरंजन के लिए इन लोगों को बांध कर रखा जाता है, पर ऐसा नहीं करना चाहिए।
ये लोग भी आज़ाद है, ये लोग भी स्वतंत्र रहने का इन लोगों का भी हक है, पर इन्हें बांध कर रखा जाता है। चलिए इसे इस उद्यान की और भी जानकारी आपको हम देते हैं। और ये है लव बर्ड्स, आप देख सकते हैं ये बहुत ही सुंदर आकार के और छोटे आकार के ये पंछी होते हैं, इन्हें लव बर्ड्स के नाम से जाना जाता है। ये देख सकते हैं ये है मैना, मैना का नाम आपने कहानी फिल्मों में सुना होगा, पर आज हमारे वीडियो के माध्यम से आप साक्षात उसे देखेंगे। यही है मैना, जो तोता मैना के नाम से जाना जाता है। और ये जो देख रहे हैं ये पहाड़ी मैना है, ये पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा पाए जाते हैं। और ऐसे बहुत सारे जीव इस राजीव गांधी उद्यान में हैं। तो चलिए और भी जीवों की जानकारी हम आपको आगे चलकर देते हैं। बहुत अच्छा बोल रहे हैं। ये देखिए ये है सबसे तेज निगाहों वाला चील, जिसे तेज निगाहों के लिए पूरे भारत में पूरे देश में सबसे अव्वल दर्जा पर रखा जाता है, क्योंकि इसकी निगाहें बहुत ही तेज होती है। आपको बता दें कि ये 100 मील की दूरी से भी एक छोटे से कण के दानों को एकदम आसानी से खूबसूरती से देख लेता है, इसीलिए इस पक्षी को सबसे तेज नज़र वाला जीव कहा जाता है। और चलिए ऐसी जानकारी हम आपको और भी इसके बारे में देते हैं। और ये देखिए ये है तीतल, यह हिरण के का एक ही प्रजाति है, यह पूरे भारतवर्ष में पाया जाता है, हिरण परिवार का एक प्रमुख प्राणी है। यह नर चील में ठोस सिंह पाया जाता है तथा चीतल प्रत्येक वर्ष नए सिंह आने हेतु अपना सिंह गिराता है, भोजन में घास पत्ते अनाज इत्यादि खाते हैं। और आपको बताया कि इसका जीवन काल मात्र 14 वर्षों का ही होता है। और चलिए और ये देखिए ये है जेब्रा, ये अलग ही जेब्रा, यह जेब्रा सभी जेब्रा प्रजातियों में सबसे प्रचुर है। ये जबिलिया केन्या तंजानिया तथा अफ्रीकी महाद्वीप में कुछ और देशों में पाए जाते हैं। यह प्रजाति सवाना में रहती है, ये शाकाहारी और सवाना घास का भोजन करते हैं। चलिए इसके बारे में और भी हम जानकारी आपको देते हैं। और ये देखिए ये है हिप्पोपोटामस, ये भी घोड़े के ही प्रजाति से में गिना जाता है। यह दरियाई घोड़ा के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह जो है यह पानी के प्रति अपने प्रेम को बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर रखता है, इसीलिए इसे दरियाई घोड़े के भी नाम से जाना जाता है। ये देख सकते हैं ये है हिरण, इसकी आप दशा देख सकते हैं, स्थिति बहुत ये सब दुर्बल हो चुके हैं, इनको ठीक से न देख रेख दिया जाता है, ना ही इनको समय समय पर भोजन दिया जाता है, और हमेशा ये बारिश हो तो बारिश में ही, धूप हो तो धूप में ही हमेशा रहते हैं। इनकी भी ज़िंदगी जैसे कि आपको बता दें कुएं में जैसे एक मेढक होता है तो मेढक उसी में तैरता रहता है, वैसी इसकी ज़िंदगी है, ये लोग भी उसी तरह ही रहते हैं। तो हमें नहीं लगता कि ये सही है, इनको भी छूट मिलना चाहिए, इनको भी स्वतंत्र रहने का अधिकार है। और ये देख सकते हैं ये है इस राजीव गांधी उद्यान के बीचों बीच बना ये रेस्टोरेंट, यहाँ पे आप आते हैं तो घूमने के साथ साथ अगर आपको भूख लगता है तो यहाँ पे नाश्ता भी कर सकते हैं या खाना खा सकते हैं। और आपने देखा कि ये पार्क बहुत ही खूबसूरत पार्क है, और यहाँ पे ये जो है ये 153 एकड़ में फैला हुआ ये पार्क है, ये बहुत ही बड़ा पार्क है, और ये पटना शहर के मध्य से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर है। अभी आप देख रहे हैं नई किरण न्यूज चैनल, मैं नितेश चौहान कैमरामैन गौतम यादव के साथ। जय हिंद, जय भारत।